नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। स्वागत है आपका इट इज़ नेहा में। तो जैसे कि आज जो क्लास है तो वो है जीके की, जो स्पेशल क्लास चल रही है, इस पे जो सीरीज़ है तो उनमें से एक है। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं 700 प्लस क्वेश्चन। तो इसमें 700 ही नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है मुझे मिल रहे हैं। तो ये स्पेशली ऐसे क्वेश्चन नहीं है किसी बुक के, किसी पर्टिकुलर बुक के नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, अगर आप पहले से जो वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, राजस्थान जीके के क्वेश्चन, जिनमें आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और काफ़ी जो है एक ऐसे क्वेश्चन में जो है, जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं, काफ़ी एक लेवल के क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है, कुछ मॉडरेट है, तो वो सारे हैं। अगर आप एक एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं, उनसे अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप किसी, आपने जीके पढ़ा है उसके बाद अगर आप टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो ये जो पेपर है, तो हालांकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है जो आरएसएससी बोर्ड की एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। और उसके अलावा और सभी एग्ज़ाम के लिए ये इक्वली जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पेपर है, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है JEE मैकेनिकल वाला जो पेपर हुआ था। हालांकि सिविल वाला तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसमें 40 क्वेश्चंस हैं, मतलब 40 प्रश्न हैं इसमें। राजस्थान जीके के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये जो पेपर हुआ था वो अक्टूबर 2016 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रश्न है। खरीता, मंसूर, फरमान या फिर हजबुल हुक्म, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो ये कहलाता था हजबुल हुक्म। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, हजबुल हुक्म। नेक्स्ट है, सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जनपद का, कि सीधा सा नाम भी पूछ लिया जाता है कि इनका, इस क्षेत्र का क्या नाम था प्राचीन, इस तरह से। तो हालांकि जितने भी मैंने ये पेपर करवाए हैं सॉल्व, तो उनमें मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, एक दो को छोड़ दे तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पीटेट में, प्री पीएचडी में तो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये तो है ही। खैर, अगर आपने और कुछ भी नहीं पढ़ा तो कम से कम आप ये नाम ज़रूर याद रखिए कि क्या क्या नाम था इस शहर का, जो पहले का क्या नाम था। जैसे अछित्रपुर काफ़ी बार पूछा जाता है कि अछित्रपुर कहाँ का जो है पुराना नाम था, जैसे नागौर का, तो इस तरह से। तो उसमें ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालौर। तो आपका इसका आंसर बताना है कि सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। तो उसका जो तो आंसर होगा फर्स्ट, भरतपुर, धौलपुर और करौली। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? गोगुंदा युद्ध, दिवेर युद्ध, खमनोर युद्ध या थर्मोपल्ली युद्ध? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो बदायूनी जी थे, उन्होंने जो संज्ञा नहीं थी वो थी गोगुंदा युद्ध की, ठीक है। तो बदायूनी ने जो संज्ञा नहीं थी, हल्दीघाटी को जो नाम दिया था वो दिया था गोगुंदा युद्ध। नेक्स्ट है, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? 1685 ईस्वी, 1692, 1792, 1699। तो ये हुआ था कि मालवा में सर्वप्रथम मराठाओं का युद्ध हुआ, जो आक्रमण जो आता वो 1699 में हुआ था। फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, सिवाना दुर्ग जालौर। तो शाहजहां के बड़े बेटे या फिर औरंगजेब के बड़े भाई का जन्म जो हुआ था वो हुआ था तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट है, तो उसमें कौन सा जो है एक कूट सुमेलित नहीं है कि मंदिर और दरगाह है, मंदिर नहीं, मस्जिद और दरगाह है, उनका स्थान से
ये जो सुमेलित है या नहीं है तो वो बताना है। तो एक मीनार मस्जिद जोधपुर में है या नहीं है, उषा मस्जिद बयाना, पीर दुल्हे शाह की दरगाह जालोर, नलियासर मस्जिद सांभर, तो उसमें कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो जो थर्ड है वो पीर दुल्हे शाह ये नहीं है जालोर के अंदर, और जो सभी है नलियासर सांभर में है, उषा मस्जिद जो है बयाना में है, एक मंदिर एक मीनार जो है मस्जिद वो जोधपुर में है। नेक्स्ट है दयाबाई व एवं सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है, चरणदासी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय व निरंजनी संप्रदाय। तो इनका जो संबंध रहा है वो रहा है चरणदासी संप्रदाय से, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है, तो ये क्वेश्चन भी जो है हर एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है हर में लेकिन पहले तो काफ़ी बार पूछा जाता था, हालांकि अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है ये क्वेश्चन। तो जैसे जो काफ़ी इजी लेवल वाले एग्जाम होते हैं राजस्थान जीके के अंदर, तो उनमें तो काफ़ी बार रिपीट होता है, जैसे कि पी टेट में ले सकते हैं, BHTC में ले सकते हैं, वैसे भी कभी कभी तो आ ही जाता है, लेकिन जैसे ही कोई अगर जीके स्टार्ट कर रहा है राजस्थान जीके तो उनको सबसे पहले इसी तरह की चीज़ें जो है पढ़ने को मिलती है। तो हालांकि सभी को ऐसा पता रहता है कि थेवा कला कहाँ से संबंधित है, तो बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ या फिर बूंदी। तो जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रचना ईसरदास की नहीं है, तो हरीशस या फिर राग कैलास, सभा पर्व, चंद्र प्रबोध। तो उसमें जो चंद्र प्रबोध है वो ईसरदास की नहीं है और सभी हैं। नेक्स्ट है नेवर आभूषण पहना जाता है, नेवर दांतों में, हाथों में, गले में, पाँव में, तो नेवर कहाँ पहना जाता है ये बताना है आपको। तो नेवर जो है वो पहना जाता है पाँव में, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है गोबरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है, ध्रुपद गायकी, चित्रकला स्कूल, हस्तकला केंद्र, नील उद्योग। तो इसका जो संबंध है वो है ध्रुपद गायकी से, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है, जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोहनलाल सुखाड़िया, फिर भोगीलाल पंड्या। तो जो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है राजस्थान के लोह पुरुष कौन माने जाते हैं, जमना लाल बजाज, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदर लाल व्यास। तो राजस्थान के लोह पुरुष बताने हैं, और वैसे भारत के लोह पुरुष कौन है वो भी, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वो भारत के लोह पुरुष माने जाते हैं, वैसे ही राजस्थान के लोह पुरुष जो है वो कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो दामोदर लाल व्यास जी है जो है वो राजस्थान के लोह पुरुष जो है माने जाते हैं, फोर्थ ऑप्शन दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट है मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी, 1933 में, 1923 में, 1943 में, 1913 में। तो मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी वो बताना है आपको। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन 1933 में जो है मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी, आज़ाद मोर्चा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने, दीनदयाल ने, मुंशी दीनानाथ ने या बाबा हरिश्चंद्र ने। तो आज़ाद मोर्चा की स्थापना जो है बाबा हरिश्चंद्र जी ने की थी। नेक्स्ट है वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की, उदयपुर, कोटा, अजमेर या फिर जयपुर। तो उसका आंसर बताना है आपको, तो ये की थी अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया, हरिविलास शारदा, विजय सिंह, दामोदर दास राठी या फिर माणिक्य लाल वर्मा। तो ये जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे वो थे हरिविलास शारदा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिर से आपको जो है कोड कौन सा मिला हुआ नहीं है वो बताना है, नृत्य है और
और साथ में है जाति, तो कौन सी जाति से संबंधित कौन सा नहीं है वो बताना है। राई नृत्य भील, वलर नृत्य गरासिया, पणिहारी नृत्य डामोर, संकरिया नृत्य कालबेलिया। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। जो तो पणिहारी नृत्य है वो सुमेलित नहीं है, ये डामोर जनजाति का नृत्य नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन में जो जैसे पूछ लिया जाता है कि चरी नृत्य किसका है, किस जाति का है, तो यह है गुर्जर जाति का। इसके अलावा एक मावलिया नृत्य भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि मावलिया नृत्य किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कथोड़ी जाति से। नेक्स्ट है, राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर या फिर धौलपुर। तो जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। तो जरीना का मकबरा जो है वो धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध रहा है 1847 से 1941, 1921 से 1928, 1926 से 1943 या फिर 1932 से 1935। ये जो संबंध रहा है 1926 से 1943 के बीच, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41, 9.51, 12.61 या फिर 10.85। तो कितना प्रतिशत है? तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी जब जी के स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसमें आते हैं, तो ये सभी को पता होगा कि कितना प्रतिशत जो है, तो 10.41% है। नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीपस्थ गुजरती है? कर्क रेखा चित्तौड़, सिरोही, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। तो ये गुजरती है बांसवाड़ा के समीप, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक संख्या में अंतराल विद्यमान है? उत्तरी एवं मध्यवर्ती, उत्तरी एवं दक्षिणी, मध्यवर्ती एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी। तो ये है उत्तरी एवं मध्यवर्ती। नेक्स्ट है, चंबल बेसिन स्थलाकृति प्रधान है किसमें? पर्वतीय, उत्कांती, चूना प्रदेश या फिर गिरिपथ पठार। तो ये है उत्कांती, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन किस नदी की सहायक नदियां हैं? लूनी, माही, बनास या फिर साबरमती। तो ये है माही नदी की। नेक्स्ट है, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना हुई है, लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालू का स्तूप, मुख्य क्षेत्र में, फिर आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई है ये बताना है आपको। तो ये हुई है मरुस्थल के बालू का स्तूप, मुक्त क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, सोयाबीन का क्षेत्रफल तथा उत्पादन दोनों में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं? भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, फिर कोटा बारा, झालावाड़। तो उसमें है कोटा बारा, झालावाड़, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित प्रदेश, लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। तो यह सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो उत्तर पश्चिम में अगर उत्तर की बात करें, जहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, तो ये सब। तो हालांकि इसमें अगर बात की जा रही है गन्ना और कपास की, तो उसमें कौन से शामिल किए जाएंगे? ओनली गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, दुग्ध उत्पादन हेतु राजस्थान में गाय की कौन सी नस्लें सुप्रसिद्ध है? थारपारकर और राठी, राठी और नागौरी, मालवी और थारपारकर, मेवाती और मालवी। तो दुग्ध उत्पादन के लिए जो है थारपारकर और राठी जो है काफी प्रसिद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन थारपारकर और राठी। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? बीकानेरी, कच्छी,
जैसलमेर या फिर अलवरी, तो जैसलमेरी। और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो ऊँट है वो कहाँ के हैं, जैसलमेर के नाचना गांव के। और जो बकरियाँ कहाँ के प्रसिद्ध है, नागौर के वरुण गांव की। तो इस तरह के क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी हैं। अब आपको सुमेलित करना है इसमें कि वन्य जीव अभयारण्य दे रखा है और संबंधित नदी भी दे रखी है इसमें। तो बस्सी चंबल, तो सॉरी इसमें कोड है उससे बताना है। तो बस्सी, भैंसरोड़गढ़, जवार सागर या फिर शेरगढ़। तो इसमें कौन कौन सा किससे कौन सी नदी से संबंधित है वो बताना है आपको। तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि मतलब बस्सी, ओराई और बामनी, भैंसरोड़गढ़, चंबल और बामनी, जवार सागर चंबल, और शेरगढ़ जो है वो परवन नदी। तो ये हो गया। तो काफ़ी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि शेरगढ़ कौन सी नदी के किनारे है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन ये परवन नदी के किनारे, ठीक है। शेरगढ़ का जो दूसरा नाम है कोसवर्धन, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। तो ये इस तरह के प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनूपगढ़, पुंगलगढ़, चारणवाला, विसलपुर। तो आप अच्छे से उसको पढ़े, फिर तो उसके बाद सीक्वेंस में देखे, फिर मैं सही आंसर जो है आपको बता दूंगी। तो इसमें जो उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो थर्ड ऑप्शन में है। पहले अनूपगढ़, फिर पुंगलगढ़, फिर बिरसलपुर, फिर चारणवाला, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार, हालांकि आरएसएसवी बोर्ड के जितने मतलब एग्जाम्स हुई उनमें काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये सेम क्वेश्चन कि सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो ये जो है वो है डूंगरपुर के अंदर है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया है, कायलाना, पिछोला, सांभर या फिर फायसागर। तो ये किया गया है सांभर को, तो ये रामसर साइट के अंदर आती है सांभर। तो रामसर दिवस जो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है ये। तो रामसर वैसे पूछ लिए कहाँ पे है, तो ईरान में है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता एवं जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, उत्तर अंतस्थलीय जलोत्तरण क्षेत्र, लूनी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान या फिर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। तो ये जो कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट है, किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या फिर कोटा बैराज। तो ये हुई है कोटा बैराज में, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, पर्यटन विकास से, खनन विकास से, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से या फिर ऊर्जा विकास से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पड़ने वाले उत्तर मध्य में जेल रेलवे जोन। तो हालांकि पहले का क्वेश्चन तो छोड़ दे इसको। नेक्स्ट है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है, केसरपुरा, जगपुरा, काला गुमान या फिर राजमहल। तो ये है केसरपुरा में हीरे की खान। नेक्स्ट है, अभिनव भूभौतिकी गवेषणाओं ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है, आनंदपुर, भूकिया, जावर, गुलाबपुरा, अंगुचा, चोथखा, परवाड़ा। तो ये क्या है, आनंदपुर, भूकिया। तो ये थे आपके 40 प्रश्न। तो इनमें आपको कितने प्रश्न आपको सही आए,
आपको कितने आप प्रश्न जो कर सकते थे आपको उनका आंसर आते थे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको नहीं आ रहे, जो आपको हार्ड लग रहे हैं, आपने देखे नहीं है, तो उन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा अगर आप इस पेपर का PDF चाहते हैं तो खुद भी आप डाउनलोड कर सकते हैं उस वेबसाइट पर जाके। इसके अलावा जो मैं इसको टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड इजीली कर पाएंगे। तो इस पर कुछ नहीं करना आपको, इट इज़ नेहा जो आपको या तो सर्च मार लेना है टेलीग्राम पे, या फिर मैं आपको जो लिंक जो प्रोवाइड करवा दूंगी तो इट इज़ नेहा से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ पे जो आपको सारी PDF मिल जाएगी। अगर आपको आंसर की आप लेना चाहते हैं तो आपको खुद मैच करनी होगी, या फिर आप साथ में वीडियो को चला के खुद जो है आप आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो आपको दोनों को मैच करके देखना पड़ेगा, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा, तो वो बात भी है। तो इससे अच्छा है कि आप साथ के साथ में लिख लें खुद ही। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और तो ऐसे ही जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी, आपके जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे जो भी पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी बार जो है क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, तो कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें जो भी इसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो, एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, और बने रहिए इस चैनल के साथ। एंड थैंक यू।